Yes, we have the question, how many moles of electron weigh 1 kilogram? How many moles of electron weigh 1 kilogram? And we have 4 options. ये जो क्वेश्चन है आईआईटी 2001 में आया था, एक मोल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है आपका, मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, और बड़ा फंडामेंटल सा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपके लॉजिकल प्रॉब्लम्स को चेक करता है। तो इसके लिए फर्स्ट थिंग हम लोगों को ये आइडिया होना चाहिए, व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, दैट इज 9.108 into 10 to the power minus 31 kg। एक इलेक्ट्रॉन का मास आपका 9.108 into 10 to the power minus 31 kg होता है। अब एक kg में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इस क्वेश्चन को हम लोग सिंपलीफाई इस तरीके से कर सकते हैं कि मान लीजिए एक बॉल का वेट है 2 kg और हमारे पास टोटल जो बॉल्स हैं उनका मास है 100 kg। तो उसमें कितनी बॉल्स आएंगे? 200 डिवाइडेड बाय 200। तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके हो जाएंगे 1 डिवाइडेड बाय 9.108 माइनस 31, ये आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और आपका अब किसी भी नंबर को यदि हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम उसको एवोगाड्रो के नंबर से डिवाइड करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 9.108 इनटू 10 टू द पावर माइनस 31, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6.02 10 की पावर 23। तो इसको आप 1/10 में लिख सकते हैं और 10 की पावर 31 नंबर आ सकता है। 9.08 इनटू 6.02 इनटू 10 की पावर 23, तो दैट विल बी कम्स इक्वल्स टू 10 की पावर 8। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज दी दैट्स ऑल।